अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.6 से रिलेटेड फैक्टर थ्योरम समझेंगे। तो हमारे पास फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि जब आपके पास कोई पॉलीनोमियल हो पी ऑफ एक्स, तो एक्स माइनस आर उसका एक फैक्टर होगा तभी जब आपके पास पी ऑफ आर इक्वल टू जीरो। यानी जो एक्स माइनस आर है, ये आर आप पी ऑफ एक्स में पुट करेंगे उस पॉलीनोमियल में, तो आपको रिमाइंडर इक्वल टू जीरो मिलेगा। तो x माइनस आर पी ऑफ एक्स का एक फैक्टर होगा, या दूसरे मानों में जब आपके पास x माइनस आर एक फैक्टर है इसका, तो इसका मतलब यह है कि रिमाइंडर इक्वल टू जीरो है, या रिमाइंडर इक्वल टू जीरो हुआ तो इसका मतलब होगा x माइनस आर इसका फैक्टर है। तो अब हम इसे समझते हैं थोड़ा सा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है x माइनस आर इन टू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर, यानी पी ऑफ एक्स को x माइनस आर से डिवाइड करें तो इसके साथ कोशेंट क्यू ऑफ एक्स मल्टीप्लाई होता है, प्लस आर इसके साथ ऐड होता है जो कि रिमाइंडर है। अब रिमाइंडर थ्योरम, जैसा कि आप जानते हैं, रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास है पी ऑफ स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो पी ऑफ आर इक्वल टू रिमाइंडर। जब आपके पास पी ऑफ आर इक्वल टू जीरो होगा तो इसका मतलब यह है कि आर इक्वल टू जीरो। अब आर इसमें आप पुट करोगे जीरो, तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस आर इन टू क्यू ऑफ एक्स, और प्लस जीरो को हम नहीं लिखते। तो यहां से आप देखें तो आपको देखने से भी नजर आ रहा है कि एक्स माइनस आर एक फैक्टर है पी ऑफ एक्स का। तो जब भी आपको कहा जाए कि x माइनस आर एक फैक्टर है p ऑफ x का, या एग्जैक्टली डिवाइड करता है इसे, तो आप कह सकते हैं कि इसमें रिमाइंडर इक्वल टू जीरो है। यानी जब आप p ऑफ x में r पुट करेंगे तो आपके पास इक्वल टू जीरो ही आएगा। क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करते हैं, जो फैक्टर थ्योरम की मदद से हमने सॉल्व करना है। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन है, विदाउट परफॉर्मिंग डिविजन फाइंड द वैल्यू ऑफ a when 2x cube minus ax square minus 2ax plus 3x plus 2 is exactly divisible by x plus 1, यानि x plus 1 इसका एक फैक्टर है, तो आप a की वैल्यू फाइंड करें। अब हमें, हमारे पास p of x है 2x cube minus ax square minus 2ax plus 3x plus 2, और यहां पर हमारे पास x माइनस आर इज इक्वल टू है x प्लस वन। तो अब हम कंपेयरिंग करें तो हमें मिल रहा है माइनस आर इज इक्वल टू वन, आर इज इक्वल टू है माइनस वन। अब चूंकि ये कहता है कि x प्लस वन इसका फैक्टर है, यानी इसको डिवाइड करता है, तो ये इसका फैक्टर है। जब x प्लस वन इसका फैक्टर है तो हमारे पास p ऑफ r इज इक्वल टू जीरो होगा, यानी रिमाइंडर इक्वल टू जीरो होगा, ये फैक्टर थ्योरम ये कहता है। तो अब चूंकि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है और r की वैल्यू हमारे पास माइनस वन है, तो हम जानते हैं कि p ऑफ r इज इक्वल टू जीरो है, और हमारे पास यहां पर p ऑफ माइनस वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो अब सबसे पहले हम p ऑफ x में, यानी जो पॉलीनोमियल है उसमें माइनस वन पुट करेंगे, और जो आंसर आएगा उसे इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम p ऑफ माइनस वन पॉलीनोमियल में माइनस वन पुट करते हैं, तो हमें मिल रहा है टू इंटू माइनस वन क्यूब माइनस a इंटू माइनस वन स्क्वेयर माइनस टू माइनस वन एक्स, a है साथ तो हमारे पास है प्लस थ्री इंटू माइनस वन प्लस टू। तो यहाँ पर p ऑफ माइनस वन हमें इक्वल टू मिला 2 into minus 1 और minus a, क्योंकि minus 1 का square plus 1 हो जाएगा, और minus minus plus 2a और minus 3 plus 2। तो यहां से हमें p of minus 1 equal to मिला, ये हमारे पास है minus 1 into 2 तो minus 2, और plus minus a plus 2a से हमें a मिला और minus 3 प्लस टू।
सिंप्लीफाई करें तो पी एफ माइनस वन इक्वल टू माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव होता है, और माइनस फाइव में प्लस टू करें तो माइनस थ्री प्लस है। ये हमारे पास पी एफ माइनस वन है, लेकिन पी एफ माइनस वन इक्वल टू जीरो है, तो इसे इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, यानी जीरो इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस ए, तो यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा थ्री इज इक्वल टू ए। तो ये हमारे पास ए का ए की वैल्यू है। इस तरीके से हमने ए की वैल्यू फाइंड की, यानी कि आपने फैक्टर थ्योरम को यूज़ किया, उसकी मदद से आपने क्वेश्चन नंबर टू को सॉल्व किया। इसी तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर थ्री को फैक्टर थ्योरम की मदद से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, जिसमें कहा है कि यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज। तो आपने फैक्टर थ्योरम की मदद से फैक्टराइज करना है। तो हमारे पास पॉलीनोमियल जो गिवन है वो है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। तो ये पॉलीनोमियल है, इसको फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले हम एक फैक्टर फाइंड करेंगे जो कि एक्स माइनस आर है। तो एक्स माइनस आर में हम आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे x की जगह मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करेंगे, और जिससे इक्वल टू जीरो मिले हमें तो वो x r की वैल्यू होगी। x माइनस वो हम पुट करेंगे तो एक फैक्टर होगा, और इसे हम डिवाइड करेंगे उससे तो हमें दूसरा फैक्टर मिल जाएगा। अब आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास p ऑफ x इज इक्वल टू है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। तो ये हमारे पास p ऑफ x है। अब हम x की जगह मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करेंगे, जैसा कि वो r होंगी तो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू। अब हम ये डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे, इनमें से एक वैल्यू पर हमें p ऑफ x इक्वल टू जीरो मिलेगा। तो सबसे पहले हम वन पुट करते हैं, तो p ऑफ वन इज इक्वल टू है वन का क्यूब माइनस टू इन टू वन का स्क्वायर माइनस फाइव इन टू वन प्लस सिक्स। तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस टू माइनस फाइव प्लस सिक्स, तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमें 1 पर ही जीरो मिल गया। अगर ये यहाँ पर जीरो नहीं मिलता तो हम मुख्तलिफ और वैल्यूज भी पुट करके चेक करते हैं कि किस वैल्यू पर जीरो मिलता है। अब चूंकि 1 पे जीरो मिला है तो हम कह सकते हैं कि r इज इक्वल टू है 1। सो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम हमें ये कहता है कि अब हमारे पास x माइनस आर, चूंकि आर वन है तो x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, जो कि है x क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। ये हमारे पास एक फैक्टर है। अब दूसरा फैक्टर फाइंड करते हैं। टू फाइंड अदर फैक्टर, दूसरा फैक्टर फाइंड करने के लिए हम x माइनस वन से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास है x क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। तो x माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो जो क्वेश्चन हमें मिलेगा वो इसका दूसरा फैक्टर होगा। तो यहाँ पर x माइनस वन है और यहाँ पर x क्यूब है, तो हम इसे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब मिलता है। तो x स्क्वायर, यहाँ पर x क्यूब हो गया, और इसे मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर से तो माइनस x स्क्वायर। अब हम साइन चेंज करके इसे माइनस करते हैं तो ये कैंसिल, तो यहाँ पर हमें मिला माइनस x स्क्वायर माइनस फाइव एक्स और प्लस ये हमारे पास है सिक्स। अब यहाँ पर हमारे पास है एक्स स्क्वायर और इसे हम माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वायर, और इसे माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस एक्स बन गया। तो साइन चेंज करके माइनस किया, ये कैंसिल, तो यहाँ पर हमें मिला माइनस सिक्स एक्स प्लस सिक्स। अब ये माइनस सिक्स एक्स है, इसे माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सिक्स एक्स मिलेगा। तो यहाँ पर हमने माइनस सिक्स लिखा तो माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई किया तो माइनस सिक्स एक्स और प्लस सिक्स मिला। अब साइन चेंज किए तो ये कैंसिल इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास इस तरीके से दूसरा फैक्टर मिला। सो
other factor is equal to x square minus x minus 6. तो हम इसे लिख सकते हैं जो था x cube minus 2x square minus 5x plus 6 is equal to एक factor है x minus 1 और दूसरा है x square minus x minus 6. तो यहाँ पर अगर ये x square minus x minus 6 मजीद factorize होता है तो आपने इसे मजीद factorize करना है. चूंकि ये हो रहा है तो हम इसे factorize करते हैं, तो ये हो जाएगा x minus 1 और यहाँ पर आएगा x square. ऐसी हमारे पास है minus 6. अब हमने दो ऐसे integer देखने हैं जिन्हें multiply करें तो minus 6 मिले और add करें तो minus 1 मिले. वो है हमारे पास 3 और 2. तो यहाँ पर लेंगे हम minus 3x और plus 2x और minus 6. तो ये हो जाएगा x minus 1 and 2. x कामन लिया तो x minus 3, यहाँ पर plus 2 कामन लिया तो x minus 3. तो ये हमारे पास फैक्टर बने x minus 1 and 2, x plus 2 और x minus 3. तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऊपर, अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो हमारे पास फैक्टर बने x minus 1 and 2, x plus 2 and 2, x minus 3. तो ये हमारा आंसर है. हमने फैक्टर थ्योरम की मदद से इसको फैक्टराइज किया.